Hi guys, how are you? This is John Chaki. So today I'm going to tell you a story about our old woman. आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ. एक बूढ़ी औरत थी. दोपहर का टाइम था, धूप काफ़ी ज़्यादा थी. दरवाज़ा खटकता है और एक 14 साल का बच्चा कुछ सर्फ के पैकेट हाथ में लिए सर्फ बेच रहा है. उस बूढ़ी औरत को अंदाज़ा हो गया ये किसी स्कूल में जाता है और स्कूल के बाद लगता है सेल्समैन की नौकरी करता है. माँ ने उस बूढ़ी औरत ने माँ जी ने उसे कहा, बेटा अंदर आ जाओ, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि मैं तुम्हारा सामान खरीद सकूँ, मगर ये लो ये ठंडे दूध का गिलास, ये तुम्हें और ताकत देगा. इस तरह मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह एक दिन तुम एक अच्छे मकाम पे पहुंचोगे. उस बूढ़ी औरत की दुआ भी थी. वक्त गुजरता रहा. 20 साल के बाद उस औरत को हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई. उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी सर्जरी की गई. उसका हार्ट का मसला सही हो गया. जब औरत की आँख खुली तो उसको बताया गया वो उसका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन में लगभग 10 से 12 लाख रुपए का बिल बना है. वो एक गरीब औरत थी. वो गरीबों की कुछ ज़िंदगी इस तरह होती है, वो बच जाएं तो भी अजाब है, मर जाएं तो भी अजाब है. अब वो औरत अपने रब से दुआ करने लगी, मौला इससे अच्छा तो मुझे मौत ही दे देता, मैं ये 12-14 लाख का बिल कहाँ से अदा करूँगी, मैं कैसे इतना बोझ उठाऊँगी, मेरे पास तो इतने वसाइल भी नहीं, कोई कमाने वाला भी नहीं. रब्बा ज़िंदगी तो दी है मुझे, वो भी ऐसी ज़िंदगी जो कर्ज़े में डूब गई. कुछ दिन गुजरे, जब उसका हॉस्पिटल का टाइम पूरा हुआ, वो लड़खड़ाते कदमों से रिसेप्शन पे गई और पूछने लगी कि मेरा बिल दिखा दीजिए. जब बिल दिखाया गया तो 14 लाख कुछ रुपया बिल उसका बना हुआ था और वो नीचे देख के हैरान हो गई. बिल के ऊपर पेड़ का स्टैम्प लगा हुआ था. वो पूछने लगी, मेरा बिल किसने दिया है? तो रिसेप्शनिस्ट अभी जवाब ही दे रही थी कि उधर से एक नौजवान लड़का आया और बोला, माँ जी ये आपके दूध के गिलास का कर्ज है. तो दोस्तों, ये दुनिया गोल है, आप बस नेकी करते जाइए, आपको पता नहीं आपका रब किस तरफ से कहां से आपकी मदद फरमा देगा. और किसी अमीर किसी गरीब की ज़िंदगी बोझ नहीं होती. उस मालिक उस रब ने कहा है, वो ज़मीन के अंदर अगर चूंटी को रिस्क दे सकता है तो आपको कहीं भी वो रिस्क दे सकता है. इसलिए रब पे तौफीक रखें, दुनिया की मदद करें, अल्लाह पाक की मखलूक को खुश रखें, अल्लाह पाक आपको खुश रखेगा, गैब से मदद देगा. अस्सलामु अलैकुम.